आज हम योग में प्रायोगिक कक्षा करेंगे। प्रायोगिक में हम कुछ अभ्यास करते हैं जिसमें हम योगाभ्यास और योगाभ्यास में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, इन कुछ क्रियाओं को करते हैं। इन क्रियाओं से हम अभ्यास के द्वारा जो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को संतुलित करने के लिए, विकसित करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। तो योगाभ्यास के लिए हम सभी तैयार हो जाएंगे। योगाभ्यास के लिए सर्वप्रथम हम प्रार्थना के साथ कक्षा को शुरू करते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए, इष्ट को ध्यान में रखने के लिए और मानसिक शांति के लिए। तो सभी योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। ध्यानात्मक आसन कैसा होता है? एक पैर आप अर्ध पद्मासन में रखिए या आप पद्मासन में भी रह सकते हैं, दोनों पैरों को ऊपर रख सकते हैं। जिनसे बने वो पद्मासन कर लें, ना बने तो अर्ध पद्मासन में ही रहिए। आंखों को सहजता पूर्वक बंद कर लें, हिला छोड़ें, चेहरे को शिथिल करें, चेहरे में प्रसन्नता का भाव हो। अगर किसी को किसी प्रकार से उच्च रक्तचाप की समस्या हो या किसी प्रकार से पैरों में, घुटनों में कोई गंभीर समस्या हो तो सावधानी रखें। बाकी यह अभ्यास लगभग सभी कर सकते हैं। इस अभ्यास से जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों पर खिंचाव होता है और आमाशय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मेरुदंड के लिए विशेष इसमें लाभ बताए गए हैं। संतुलन का आसन है, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। तो सभी दृष्टि को एक बिंदु में स्थिर करें और श्वास भरते हुए एक साथ हथेलियां पलट लें, ऊपर ले जाएं, पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं, हथेली पलटकर सिर के ऊपर रख लें। पुनः सांस भरते हुए एक साथ सभी ऊपर ले जाएं, पूरे शरीर को खींच के रखिए, एड़ियों को ऊपर रखें, संतुलन बनाएं, खींच के रखें पूरे शरीर को ऊपर। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों में आप संतुलन बना लें, सांस के साथ पूरे शरीर को ऊपर खींचते हुए ले जाएं और पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखे, हथेलियों को ऊपर खींच के रखे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए संतुलन के साथ वापस आना है।
हाथ को फैलाते हुए नीचे लाएं, हथेलियां पलट लें और खोल लें। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें, विश्राम करें। किसी एक हाथ से कलाई को पकड़ लें, आंखें बंद, विश्राम। लेफ्ट साइड एक साथ झुकें, पैरों में गैप हो, घुटना सीधा रखिए। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ पलटकर सिर में रखिए। हाथ एक साथ खोलिए, हथेली पलट लें और विश्राम कर लें। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए कंधे से थोड़ा अधिक पैरों में गैप करें, दोनों पंजे पैर के सामने हों। एक साथ हाथ की हथेलियां कंधे के समानांतर उठाएं, हाथों को फैलाएं। सभी दाएं हाथ को, राइट हैंड को कमर में लपेट लीजिए और बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे पर रखें और दाएं ओर धकेलते हुए सांस छोड़ते हुए जाएं। सांस भरते हुए एक साथ हाथ खोलते हुए आएं और सांस छोड़ते हुए पुनः बाएं हाथ को कमर में, दाएं हाथ को बाएं कंधे पे रखें और कंधे को धकेलते हुए सांस छोड़ते हुए जाइए। सांस भर के बीच में आएं, ऐसे ही सांस छोड़ते हुए राइट हैंड कमर में और बाएं हाथ को शोल्डर में और बाएं दाएं हाथ दाएं शोल्डर की ओर मुड़ के देखिए। सांस छोड़ते हुए जाइए। कमर के लिए, कंधे के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। सांस भरते हुए आएं और बाएं हाथ को कमर में लपेट लें, दाएं हाथ को बाएं कंधे पे रखें और कंधे को धकेलते हुए सांस छोड़ते हुए जाएं। सांस भरते हुए वापस आ जाएं, हाथ नीचे, थोड़ी देर विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें, सामान्य श्वसन कर लें, डीप ब्रीदिंग करें, गहरी श्वसन करें। सांस छोड़ते जाएंगे तो शरीर में शिथिलता का अनुभव करेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, शरीर में जो विषाक्त होते हैं टॉक्सिन्स को दूर करने में सहायक होता है। सूर्य नमस्कार में 7 आसन और 12 स्थितियां होती है। सूर्य नमस्कार से सारे अंग तंत्र हमारे प्रभावित होते हैं, इसलिए भी यह आसन महत्वपूर्ण है। सूर्य नाड़ी प्रदीप्त होती है जिससे शरीर में क्रियाशीलता। हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में सावधानी ध्यान दें, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोगी है, गंभीर मेरुदंड से संबंधित कोई समस्या हो, तात्कालिक ऑपरेशन हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो या गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी इसमें रखनी चाहिए। लाभ में सूर्य नमस्कार से शारीरिक लाभ होते हैं, अंग तंत्र मजबूत होते हैं, मांसपेशियां तंत्रिकाएं लचीली होती हैं, अंगों को मजबूती मिलती है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ इसका अभ्यास करते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, तनाव खत्म होते हैं। आध्यात्मिक जो मंत्रों के साथ हम इसका अभ्यास करते हैं तो आध्यात्मिक लाभ इसमें बताए गए हैं। अगर हम इसे उच्च समूह के साथ करें, उच्च अभ्यास में करें तो चक्रों के साथ सजगता पूर्वक इसका अभ्यास करते हैं जिसमें आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। तो सभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 7 आसन और 12 स्थितियां होती है, सभी को पता है। मंत्रों के साथ हम इसका अभ्यास करेंगे। एक आवृत्ति दोनों पैरों में 1 या 2 अंगुल का गैप रखें, दोनों पैरों में शरीर का भार एक साथ, दोनों हाथ को कंधे के समानांतर उठा लें, हथेलियां पलट लें, ऊपर ले जाएं, प्रणाम की स्थिति में आएं, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन में जाएं, दूसरी स्थिति में सांस के साथ मेरुदंड से पीछे झुकें, बीच में आएं, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर जाएं, पाद हस्तासन। दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ दोनों पांव के बगल में हैं और दोनों
हाथों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लीजिए। माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। सभी एक साथ सभी राइट लेग को पीछे ले जाइए। अश्व संचालन आसन में जाएंगे। राइट लेग पीछे है, उसकी उंगलियां मुड़ी हुई है, घुटना जमीन में है, ऊपर की ओर देखता हुआ शरीर। श्वास भरे हैं, अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाइए। दूसरा पैर पहले पैर के पास एड़ी जमीन से लगाने की कोशिश करें और अधिकतम हम नाभि को देखते हुए रहेंगे। नाभि को देखता हुआ शरीर, पर्वत की आकृति। सांस बाहर है, सांस भरें और दोनों घुटने को एक साथ जमीन में लगाइए। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को दोनों हाथ के बीच में और चिन हिप ऊपर। अष्टांग नमस्कार आसन, छठवीं स्थिति है। अष्टांग नमस्कार आसन, चिन जमीन में लगाइए। सांस बाहर है, बाह्य कुंभक की स्थिति है। पंजे गिरा लें, सातवीं स्थिति में जाएंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए भुजंगासन में जाइए। नाभि के चार अंगुल नीचे तक ही झुकें, एल्बो मोड़ के रखें, कोहनी चिपका के रखें और छत को देखता हुआ शरीर। मेरुदंड को ऊपर की ओर ले गए हैं, पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आए, पंजे मोड़ लीजिए। नाभि को देखता हुआ शरीर, अधिकतम हम हाथ और पैर को स्थित करके सिर को अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। बाएं पैर के पंजे को दोनों हाथ के बीच में लाएं। सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन, ऊपर देखता हुआ शरीर ले जाएं। गले में खिंचाव होता है, मेरुदंड को पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, पादहस्तासन में आ जाएं। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, पीछे की ओर झुकिए जितना अधिक झुक पाए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए ओम रव्ये नमः। सांस छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। अभ्यास करते जाएं, साथ साथ अभ्यास करिए। आप खड़े क्यों हैं? लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन। ओम भानवे नमः। राइट लेग पीछे, ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार आसन, ओम पुष्णे नमः। भुजंगासन में आ जाइए, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। राइट लेग सामने, ओम सवित्रे नमः। ओम मरकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हम अंगों के प्रति सजग होते हुए अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी सभी। दोनों हाथ को एक साथ कंधे के समानांतर उठा लें, हथेलियां पलट लें, ऊपर की ओर ले जाएं, प्रणाम की स्थिति में आएं, प्रणाम आसन। दोनों हाथ सामने करिए, हाथ सामने ऊपर और श्वास के साथ पीछे मेरुदंड से झुकते हुए जाएं, कमर से पीछे की ओर झुकिए। श्वास भरते हुए बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए सामने जाएं, पादहस्तासन। पूरा ध्यान कमर में, पैरों में जो खिंचाव हो रहा है उस पे दें और धीरे से हम सांस भरते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे। अश्व संचालन आसन, पैर को पीछे करें, मेरुदंड को पीछे ले जाने में हम ध्यान देंगे। मेरुदंड को आप पीछे की ओर ले जाते हुए रहिए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन,
सांस छोड़ के हम पर्वतासन में आएंगे, नाभि को देखता हुआ शरीर, दोनों घुटने एक साथ जमीन में, फिर चेस्ट और चिन, अष्टांग नमस्कार आसन, हिप ऊपर रहता है, पूरा ध्यान शरीर के जिस अंग पर खिंचाव हो रहा है वहां दें। फिर हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पंजे गिरा लें, सांस भरते हुए जाएं, ऊपर की ओर उठे, नाभि के चार अंगुल नीचे तक ही उठेंगे, एल्बो मुड़ी हुई है, गले में जो खिंचाव हो रहा है, कमर में जो खिंचाव हो रहा है उसे अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, अब हम लेफ्ट लेग को दोनों हाथ के बीच में लाएंगे, अश्व संचालनासन, ऊपर देखता हुआ रखें, पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए राइट लेग दोनों हाथ के बीच, सांस भरते हुए हम जाएंगे हस्तोत्तानासन में, सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन, हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं, खोलें, नीचे लाएं और धीरे से लेट जाइए, शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में एक या डेढ़ फुट की दूरी बना लें, दोनों हाथ की हथेली ऊपर की ओर खोल के रखें, दोनों हाथ ऊपर की ओर खुले हुए हों, कमर गर्दन सीधी हो, आंखें बंद, सौ के समान छोड़ दें, किसी अंग विशेष को जकड़ना नहीं है, पूरे शरीर को शिथिल कर दें, विश्राम की अनुभूति हो, इस प्रकार से शरीर को ढीला छोड़ें, दोनों पैर शिथिल हैं, दोनों घुटनों को ढीला छोड़िए, शिथिल करें, दोनों पैर की जंघा को ढीला शिथिल करें, दोनों हाथ की हथेली उंगलियों को शिथिल कर दें, कोहनी भुजा शिथिल, कंधे को शिथिल करें, सिर के पिछले भाग को शिथिल करें, माथे की त्वचा को ढीला शिथिल करें, आंखों को और शिथिल कर लें, होठों को ढीला शिथिल करें और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएं। सांस को हम क्या करते हैं, सामान्य करते हैं, हृदय की गति को सामान्य करते हैं। सूर्य नमस्कार के पश्चात जो शरीर में थकावट होती है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, सांस की गति तेजी से होती है, उसे हम शिथिल करते हैं। उसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। जितना धीमा और गहरी श्वसन करेंगे उतना जल्दी शरीर शिथिल होता है। सांस के साथ मन को जोड़े रखें, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ने के पश्चात जो शरीर में और मन में शिथिलता का अनुभव हो रहा है उसे अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे प्रश्वास करें। अब हम विश्राम कर चुके हैं, शरीर शिथिल हो गया है, अगले अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास। पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास में हम दो अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन थायराइड के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ता है। जब पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो रक्त का प्रवाह सिर की ओर अधिक होता है, जिससे मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है, मानसिक स्मरण क्षमता को, मानसिक स्थिति को बढ़ाने में सहायक होता है। सर्वांगासन के लिए सभी तैयार हो जाएं, दोनों पैर मिला के रखें एक साथ, दोनों पैरों को उठा लीजिए 90 डिग्री। अब धीरे से हाथ का सहारा कमर को दीजिए और पूरे शरीर को ऊपर ले जाइए, कंधा और गर्दन बस क्या हो, हमारे जमीन में हो। फिर पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, पैर सीधा हो, पंजे को भी साम ऊपर की ओर खींच के रखें, धीरे से फिर पीठ वापस ले आए,
फिर कमर, आप चाहें तो घुटने को मोड़ के ले आएं, धीरे से फिर पैरों को नीचे ले आएं और पैरों को शिथिल करें, शवासन में लेट जाएं। चले, आप लोग पहले करवट ले लीजिए और पैर पीछे उधर कर लीजिए, सिर इस ओर करके लेट जाइए। दोनों पैर पास पास, फिर से सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को उठाइए 90 डिग्री, पूरा ऊपर ले जाइए, हाथ का सहारा दीजिए, पूरे शरीर को ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर सीधा करिए पैर को। थोड़ा और पैर सीधा कर लीजिए और पैर को उठाइए, थोड़ा पैर को उठाइए, सीधा सीधा। और ऊपर करिए, ऊपर थोड़ा सा खींचे, आराम से धीरे से सांस छोड़ते हुए जाएं, ऐसे नहीं आते है ना, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस और शवासन। धीरे से हम सांस के साथ शवासन करें, सामान्य ब्रीदिंग करें, पैरों को खोल लें, रिलैक्स करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मत्स्यासन, सर्वांगासन का विपरीत अभ्यास भी इसे कहते हैं। मत्स्यासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम सिर को पीछे की ओर मोड़ते हैं, थायराइड पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल के लिए महत्वपूर्ण होता है, श्वसन तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। तो दोनों पैर पास पास रखिए, हाथ का सहारा दें और सिर के सबसे ऊपरी भाग को, माथे के जस्ट ऊपर वाले भाग को पलट के रखें, सिर के सबसे ऊपरी भाग को। कमर से लेकर पैर तक का भाग जमीन में रहेगा, जो पीछे लास्ट हैं पैर सीधा रखिए, पैर को खोल के रखिए और सिर बस को पलटिए, सांस अंदर है। अंत में हम दोनों हाथ को क्या करते हैं, थाई के ऊपर रख लेते हैं, सिर के सबसे ऊपरी भाग को पलटिए। गले में खिंचाव हो रहा है, पीठ में कर्व है, चेस्ट में सांस रोक के रखे हैं, धीरे से हाथ का सहारा दें, सिर को सामान्य करें और सामान्य ब्रीदिंग करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। चलिए, अब धीरे से हम पीठ के बल से पेट के बल में आ जाएंगे। पेट के बल आ जाइए, करवट लें, पेट के बल आ जाए, मकरासन में आएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कैसे सामने रखेंगे, कोहनी मिली हुई होंगी, दोनों हाथ को हथेली को गाल में हम रखेंगे, कोहनी मिला के रखें, पांव पीछे मिला के रखें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शिथिलीकरण के अभ्यास है, इससे कमर दर्द ठीक होता है, स्लिप डिस्क, साइटिका, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। सभी आंखें बंद करके विश्राम कर लें, थोड़ी देर सामान्य ब्रीदिंग करें, सामान्य श्वसन कर लीजिए। अब हम पेट के बल दो अभ्यास करेंगे, एक भुजंगासन और एक धनुरासन। सबसे पहले भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएं, दोनों पांव मिला के रखें। सावधानी क्या हो भुजंगासन में, अगर किसी को अधिक स्लिप डिस्क हो या किसी प्रकार से तात्कालिक ऑपरेशन हो, हार्ट पेशेंट हो, तो उन्हें ना कराएं, है ना। हम इसमें लाभ क्या होगा, इसमें हमें लाभ क्या मिलेगा, तो कमर दर्द के लिए और साइटिका जैसे समस्याओं के लिए, सर्वाइकल के लिए, श्वसन विकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। चलिए, तो दोनों आसन भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएं, दोनों पैर पीछे मिला के ही रखेंगे, दोनों हाथ आ जाएगा चेस्ट के पास, हथेली हथेली थोड़ा बाहर निकालिए, बाहर कर लीजिए, हाँ। अब चिन जमीन में रखिए, ठुड्डी जमीन में, सांस भरते हुए धीरे धीरे सिर से उठते जाइए, मेरुदंड को जैसे हम पीछे की ओर ले जा रहे हों, सिर को पीछे ले जाइए। गले में जो खिंचाव हो रहा है चेस्ट में, उसे ध्यान दें, मेरुदंड में, कमर में जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर हमें सजगता बनाए रखना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले पेट, छाती, फिर चिन को नीचे ले आए। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन में जाइए,
ऊपर उठिए, एल्बो मोड़िए, शोल्डर पीछे रखिए, पैर मिला के रखें, पूरा ध्यान कमर में, गले में, मेरुदंड में, जिस अंग में खिंचाव हो रहा है उस अंगों पर सजगता बनाए रखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, हाथ सामने ले आएं, पैर पीछे खोल दें, सरल मकरासन में आ जाएंगे, एड़िया अंदर, पंजे बाहर, सामने हाथ और विश्राम। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे या टखने को पकड़ सकते हैं। अब एक साथ सांस भरते हुए पैरों से अपने आप को उठाइए, खींच के ले जाइए, नाभि का भाग जमीन में हो। सांस भरते हुए हम गए हैं, होल्ड किए हैं, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पैर पहले खोल दें, हाथ और सामने ले आए, विश्राम कर लें, सामने हाथ लाके विश्राम कर लीजिए। एक बार फिर से धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पैर मोड़ें, दोनों हाथ से पैर को पकड़ लें और एक साथ सभी सांस भरते हुए उठें, पूरे शरीर को ऊपर खींच लीजिए, ऊपर देखते रहें, छत की ओर दृष्टि रखें, चेस्ट में, पैरों में जो खिंचाव हो रहा है, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। सरल मकरासन, पैर खोल जाएंगे, दोनों एड़ी अंदर, पंजे बाहर, हाथ सामने और विश्राम, आंखें बंद, सामान्य श्वसन कर लें, शरीर को शिथिल होने दें। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए रहते हैं, एड़ियों में गैप रहता है और उस गैप में हम बैठते हैं। वज्रासन एक धनात्मक आसन भी होता है क्योंकि इसमें बिना किसी परिश्रम के मेरुदंड सीधी रहता है, चेहरा सीधा है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद। वज्र नाड़ी एक्टिव होती है जो रिप्रोडक्टिव अंगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस अभ्यास को वज्रासन कहा जाता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हम खाने के बाद करते हैं। जस्ट हमने भोजन किया, खाना खाया, उसके पश्चात हमें तुरंत वज्रासन में रहना चाहिए। अगला अभ्यास हम इसमें करेंगे, इस ग्रुप का, इस समूह का, उष्ट्रासन। ऊंट की आकृति बनती है इसलिए इसे कहते हैं उष्ट्रासन। तो उसके लिए घुटने के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप करिए, दूरी बना लीजिए, पंजे फ्लैट रखेंगे, दोनों हाथ को एक साथ आप कमर में रख लीजिए, अर्ध उष्ट्रासन कर लेंगे, हाथ कमर में रखें, हथेली सामने की ओर है, दोनों अंगूठे मेरुदंड के बगल में हैं। अब हम इसमें सावधानी क्या हो, याद रखें, किसी भी अगर जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कोई मेरुदंड से संबंधित गंभीर समस्या है, अल्सर हार्निया है, तो उन्हें हम नहीं कराएंगे, उन्हें विशेष सावधानी पूर्वक हमें ध्यान रखते हुए अभ्यास देना है या उन्हें नहीं कराना है। लाभ क्या होता है, तो ये मेरुदंड से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है, जैसे सर्वाइकल हो गया, मेरुदंड को लचीला बनाता है, श्वसन विकार को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पैरों की पेशियों को मजबूत करता है। एक साथ सभी जाएंगे उष्ट्रासन में, सांस भरते हुए जाएं, पीछे की ओर झुकें, कमर और चेस्ट को सामने धकेलते रहें और अंत में सिर को भी पीछे झुका दें। सांस भरते हुए छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं, वज्रासन में बैठ जाइए। हल्का सा चक्कर जैसा आता है, घबराना नहीं है, फिर से रेस्ट कर लें, सामान्य श्वसन करें। धीरे धीरे हम फिर से अभ्यास के लिए रेडी हो जाएं, घुटने के बल खड़े हो जाइए। अब हम हाथ कमर में रखेंगे, हाथ कमर में रखिए और एक साथ सांस भर के पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में जाते समय पैर सीधे रहेंगे, कमर को और चेस्ट को सामने धकेलते रखेंगे, अंत में हम सिर को भी पीछे झुका देंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम करें, आंखें बंद। इसका विपरीत अभ्यास होता है जिसे कहते हैं शशांक आसन। उष्ट्रासन का अपोजिट अभ्यास है शशांक आसन।
ये शिथिलीकरण का अभ्यास होता है। इसमें जो रक्त का प्रवाह है सिर की ओर आता है तो क्रोध, चिड़चिड़ा इन समस्याओं को दूर करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका अभ्यास करेंगे शशांकासन का। दोनों हाथ एक साथ ऊपर, सांस भर लें, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने झुकें और अंत में दोनों हाथ हथेली, कोहनी और माथा, फोरहेड को जमीन से लगा के रखें। सामान्य श्वसन करते रहें, शरीर को शिथिल होने दें। सांस भरते हुए उठें एक साथ और सांस छोड़ते हुए हाथ घुटने पे, पैर खोल लीजिए, पैर खोल लें, पैर सीधा कर लें। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास में एक अभ्यास करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। कौन सा आसन? पश्चिमोत्तानासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है। इससे हमारा मेरुदंड लचीला होता है, पाचन तंत्र मजबूत होते हैं, हाथ पैर की पेशियां मजबूत होती है, डायबिटीज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सावधानी क्या हो तो पश्चिमोत्तानासन में अगर स्लिप डिस्क है, कमर दर्द है, साइटिका है, सर्वाइकल है, हार्ट पेशेंट है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं कराना है। अगर उन्हें हम कराते हैं तो ये समस्याएं बढ़ती है। चलिए तो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पैरों को सीधा रखे हैं, पंजे मिले हुए हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए, एक साथ दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, एक साथ दोनों हाथ को हम ऊपर उठाएंगे। सांस भर के थोड़ा पीछे की ओर जाइए, अब सांस छोड़ते हुए कमर से झुकिए और दोनों हाथ से पांव को पकड़ लें और माथे को हम घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर, सबका बहुत अच्छा बना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं, एक बार फिर से सांस छोड़ के पश्चिमोत्तानासन में आइए। महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, मेंसेस से संबंधित गड़बड़ी को सुधारने में यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे सांस भर के ऊपर उठें और सांस छोड़ के हाथ घुटने पे रख लें और पीछे दंडासन में बैठ जाएं। पैर रिलीज करें, हाथ पीछे रखें, विश्राम करें। सामान्य श्वसन, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए सभी। अर्ध पद्मासन में बैठें। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण करना। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर गति प्राणायामः। प्राणायाम से हम श्वास और प्रश्वास की गति पर संयम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जिससे हमारे भीतर जो प्राण है, ऊर्जा है, उसका संचार होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो प्राणायाम के लिए सभी रेडी हो जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, चेस्ट तनी हुई हूं। प्राणायाम में हम दो प्राणायाम करेंगे, एक नाड़ी शोधन और दूसरा भ्रामरी। पहले नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएं। नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले हम बाएं हाथ को चिन मुद्रा में रखेंगे, चिन मुद्रा, और दाएं हाथ को पहली उंगली दूसरी उंगली माथे पर और अंगूठा दाई नासिका में और रिंग फिंगर अनामिका बाई नासिका में। इस स्थिति में आंखें बंद रहती है, चेस्ट तनी हुई है, चेहरा सीधा है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे जिसमें पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है। बाई नासिका से धीरे धीरे सांस भरें, दोनों नासिका को बंद करके कुंभक करें, अंतःकुंभक, सांस अंदर रोके हैं, धीरे धीरे दाई नासिका से सांस बाहर छोड़ें, फिर सांस बाहर छोड़कर ही दोनों नासिका को बंद कर दें, बाह्य कुंभक, पुनः दाई नासिका से सांस भरें, दोनों नासिका को बंद कर अंतः कुंभक कर लें, बाई नासिका से श्वास छोड़ दें,
श्वास भरें, अंतःकुंभक छोड़ें, बाह्य कुंभक ये इस प्राणायाम को हम अधिकतम समय तक कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। धीरे धीरे हमें इस अभ्यास की गति को समय को बढ़ाना है। धीरे से हाथ नीचे कर लें, हाथ को नीचे कर लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से नाड़ियों की शुद्धि करता है, हमारे जो श्वसन विकार है उसे दूर करता है। जितना अधिक आप प्राणायाम करेंगे मानसिक समस्याएं दूर होंगी। अवसाद, चिंता, क्रोध, तनाव ऐसी समस्याओं को दूर करने में प्राणायाम को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भौरे के समान गुंजन करना। यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मानसिक जो विकार होते हैं अवसाद, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ा, अनिद्रा ऐसी समस्याओं को दूर करने में भ्रामरी प्राणायाम को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या सावधानी हो तो जिनको कान से संबंधित कोई गंभीर समस्या हो, पस वगैरह की समस्या हो या तात्कालिक गले से लेकर सिर तक के किसी भी अंग का ऑपरेशन हुआ हो तो उन्हें नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, तर्जनी उंगली से कर्ण छिद्र को बंद करते हैं और आंखों को होठों को बंद करके रखते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते तक हम ओम में से माँ का उच्चारण या भौरे के समान गुंजन करते हैं। सांस छोड़ते हुए 3 बार ऐसा हम करेंगे, एक साथ एक स्वर में शुरू करें। एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे, सांभवी मुद्रा, जो एकाग्रता को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। मुद्रा में मन मुद्रा कहा जाता है। सांभवी मुद्रा, दोनों आंख की पुतली को भ्रूमध्य पर रखिए। एक जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं सभी सांभवी मुद्रा का अभ्यास करिए। दृष्टि को अपलक, आंखों को बिना झपके, पलकों को बिना झपकाए एक तक देखते रहें। धीरे से पलकों को बंद कर लें और विश्राम करें, आंखों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ें। 1 मिनट हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, विपश्यना ध्यान का अभ्यास करेंगे। पश्यना मतलब देखना, हमें देखना है हर एक श्वास पर सजगता। एक भी श्वास हमारे निगरानी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। हर एक श्वास के प्रति सजग रहें। जो श्वास भीतर आ रही है उसे महसूस करें, उसे देखें, और जो श्वास बाहर जा रही है उसे महसूस करें। धीरे से सजग हो जाएं। कक्षा का समापन शांति पाठ के साथ। सभी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे और दोनों हाथ को चिन मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधी। एक स्वर में, एक लय में ओम मंत्र का उच्चारण 1 बार करेंगे। श्वास भरें, शांति पाठ मेरे पीछे दोहराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम की स्थिति में आंखें खोल लें।